हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी आलू और मेथी की सूखी सब्जी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, जिससे मेरी हर नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया वेजिटेबल्स ऑयल, इसमें डाल देंगे क्यूमिन सीड यानी जीरा, सूखी लाल मिर्च, इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ मैंने बॉयल आलू लिया है, आलू को इस तरह से हाथों से तोड़ के इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसमें नमक डाल देंगे, आलू और मसाले को ढक ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, आलू और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसे थोड़ा हाथ से मैश कर लेंगे। इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। इसे मिक्स कर देंगे और आप इसे लास्ट में डालें। आप देख रहे हैं कि कितना फटाफट सब्जी बन के रेडी हो गया है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सब्जी रेडी हो गई है। इसे आप रोटी या पराठा के संग खा सकते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। सब्जी रेडी हो गई है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप पूड़ी या पराठे के संग खा सकते हैं। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।